सो हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका निंजा टॉयज YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस स्टंट कार को। गाइस, ये स्टंट कार एक ऐसी कार है जो कि 360 डिग्री घूम भी सकती है और इस कार में और भी बहुत सारे मूवमेंट्स भी होते हैं। तो चलिए इस कार को अभी हम अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। लेकिन उससे पहले हम इसके बॉक्स पर देख लेते हैं कि इस कार के बारे में बॉक्स पर क्या क्या लिखा हुआ है और इस कार के अंदर कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी पैकिंग की गई है जिसके ऊपर बहुत सारी ब्रांडिंग की गई है, जहाँ पर सामने लिखा हुआ है स्टंट कार रेडियो कंट्रोल। बाकी का साइड में ये सारी चीजें ब्रांडिंग की गई है इस गाड़ी की। इधर इसके मूवमेंट भी दिखाए गए हैं कि ये गाड़ी किस किस तरीके से मूवमेंट कर सकती है। और बॉक्स के नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर बॉक्स के नीचे दिखाया गया है कि जिसमें एक कंट्रोलर मिलेगा आपको, जिसमें लेफ्ट एंड राइट जॉयस्टिक होगी और राइट मतलब कि रिवर्स फॉरवर्ड और रिवर्स वाली जॉयस्टिक भी होगी, जिसमें दो सेल पड़ेंगे रिमोट में। और बाकी का गाड़ी के अंदर दिखाया गया, गाड़ी के अंदर ऑलरेडी एक चार्ज करने वाला प्लग इन होगा। तो अभी हम इस गाड़ी को अनबॉक्स करके देख लेते हैं। यहाँ से निकाल के नीचे की तरफ इस गाड़ी का रिमोट है ये, और इसका ये चार्जर भी है साथ में जो कि गाड़ी में सेल होगा उसको चार्ज करने के लिए है। तो अभी हम इस रिमोट को साइड में रख देते हैं, अभी हम इस गाड़ी को निकाल के देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर ऐसा क्या है। तो गाइज, हमारी कार ये सामने आ चुकी है। ये कुछ इस तरह की कार है और इस बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें निकली थी, जिसमें एक रिमोट था और एक चार्जिंग पिन थी जिसे हम टाटा केबल से इस गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हैं। और बाकी का ये गाड़ी निकली थी। गाड़ी मूवेबल है, जबकि इसमें लिखा हुआ था कि 360 डिग्री ये गाड़ी मूव कर सकती है। तो अभी हम इसको साइड में कर देते हैं, फिलहाल हम केवल गाड़ी के बारे में बात करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे ही हम इसको पकड़ के देखते हैं तो काफी इसमें ये सामने के पहिए हैं वो आगे के पीछे मतलब कि रोटेट हो सकते हैं ये पहिए। अब गाड़ी के हम पीछे की साइड देखें तो यहाँ पर इसमें बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर ये ऑन ऑफ का बटन भी है इसके अंदर, जिससे हम गाड़ी को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी का सिंपल इस गाड़ी में पहिए दिए गए हैं और इसके ऊपर ये कोई चीज घुमाने के लिए दी गई है। अब ये किस लिए घुमाने के लिए दिया गया है इसके बारे में मुझे अभी नहीं पता, जब हम इस गाड़ी को अभी चलाकर देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये किस लिए दिया गया है इस गाड़ी के ऊपर। तो चलिए अभी हम इस गाड़ी को चलाकर देखते हैं, लेकिन इससे पहले हमें हमारे रिमोट के अंदर सेल डालने पड़ेंगे। तो गाइज, ये गाड़ी आपको कैसी लगी और ये अनबॉक्सिंग आपको कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए।